उज्जैन जिले में इस समय गेहूं की फसल की कटाई हो चुकी है और पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष गेहूं की फसल का कम उत्पादन हुआ है, जबकि गेहूं का रकबा ज्यादा है। उज्जैन जिले के किसान जहां अपने खेतों में गेहूं की फसल बोते हैं, वहीं पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन इस वर्ष बहुत कम हुआ है। अब किसान अपने गेहूं की फसल बेचने के लिए खरीदी केंद्रों पर पहुँच रहे हैं, अपनी फसल बेच रहे हैं, जहाँ गेहूं खरीदी केंद्रों पर इस समय बड़ी संख्या में किसानों को देखा जा सकता है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। जो गेहूं खरीदी केंद्र है, क्या नाम से है और कहां पर है और किस प्रकार से व्यवस्थाएं की गई हैं और किस प्रकार से क्या है? ये सेवा सरकारी संस्था धुनालिया के नाम से है और दो केंद्र हैं संस्था धुनालिया में, और व्यवस्था अभी 27 तारीख से शुभारम्भ हुआ है, आज 1 तारीख हो चुकी है। व्यवस्था सब बढ़िया है, नीचे त्रिपाल भी बिछाई हमने बरसाती, और ऊपर के लिए भी रखी है जैसे व्यवस्था के लिए, बारदान की भी अभी व्यवस्था है कंप्लीट, कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है। अभी बिल्कुल 4 कांटे चल रहे हैं, व्यवस्थित चल रहे हैं। हाँ, किस प्रकार से किसानों को सूचना दी जाती है कि वह अपनी फसल को बेच? SMS के द्वारा किसानों को सूचना दी जाती है। परिवहन को लेकर जैसे पिछली बार परिवहन की थोड़ी पिछली बार बहुत समस्या रही, माल परिवहन नहीं उठने की वजह से पिछली बार जो नुकसान हुआ वो परिवहन की वजह से हुआ था। पर इस बार किस प्रकार से व्यवस्था? परिवहन का टेंडर हुआ है, पर बाकी अभी फिलहाल अभी अपने पास वो गाड़ी नहीं पहुँची है, अभी तक नहीं आई हुई। कल बात हुई थी मेरी उससे, धार के हैं कोई सरदार जी। आज देखो क्या होता है, अभी चिकली में मैंने संपर्क कहा था, एक गाड़ी आई है चिकली में, हो सकता है कभी एक दो दिन में आ जाए अपने इधर। अभी तक कितनी खरीदी हो चुकी है? अपने 3500 क्विंटल की खरीदी हो चुकी है, 3500 की हो चुकी है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।